हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किंग एंड क्वीन फैशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं अफ़गानी शलवार। इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे हम बहुत आसान तरीके से, तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल ये शलवार बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, तो इस शलवार को बनाने के लिए हमें 2 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ हमने लिया है 2 मीटर से थोड़ा ज़्यादा है हमारा कपड़ा और 2.5 मीटर से कम है, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग। इस शलवार का मेजरमेंट मैंने यहाँ स्क्रीन पर दे दिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह से खोल लेना है और इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। रॉन्ग साइड हम बाहर की तरफ रखेंगे और राइट साइड हम अंदर की तरफ करेंगे। तो इसको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, ये हमारी राइट साइड है। ये देखिए, रॉन्ग साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ओपन साइड हमने इस तरफ रखी है और फोल्ड साइड हमने अपनी तरफ रखी है। ये देखिए, तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमें रेडी लेंथ चाहिए 37 इंच, 37 इंच। तो सबसे पहले हम नापेंगे 37 इंच। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा 37 इंच आ रहा है। ये देखिए, तो इस शलवार में हम 5 इंच की बॉर्डर अटैच करेंगे, तो 37 इंच में हम 5 इंच कम कर देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर हम 5 इंच पर निशान लगा देंगे इस तरह से, और इस निशान के ऊपर इंची टेप को रखेंगे इस तरह से। देखिए, तो यहाँ पर अब हमारा 32 इंच आ रहा है। तो 32 इंच में जितना भी आपको पोंछा ऐड करना है, आप अगर 3 इंच का पोंछा लगाना चाहते हैं तो 3 इंच माइनस कर देंगे, और अगर आप 2 इंच का लगाना चाहते हैं तो 2 इंच माइनस कर देंगे। और इसमें हम पोंछा लगाएंगे अपना 2.5 इंच का, तो हम यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे। ये देखिए, इसमें से हम 2.5 इंच कम कर देंगे। इसमें हम पोंछा अलग से जोड़ते हैं, तो इसलिए पोंछे की लंबाई हम यहाँ पर इसमें कम कर देंगे। ये यहाँ पर आ रहा है हमारा 29.5 इंच, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। 1/2 इंच ऊपर की तरफ जाएगा और 1/2 इंच नीचे की तरफ जाएगा, तो हम इसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। तो ये है हमारी फाइनल लंबाई 30.5 इंच। ये देखिए, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, हमें टोटल यहाँ पर लंबाई रखनी है 37 इंच की। 37 इंच की हमें रेडी चाहिए, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 37 इंच पर नापेंगे इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पर आ रहा है हमारा 37 इंच। 5 इंच के हम इसमें बेल्ट जोड़ेंगे, तो हम इस 37 इंच में से 5 इंच कम कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ 5 इंच पे हमने निशान लगाया और हमने 5 इंच को कम कर दिया। यहाँ पर आ रहा है हमारा 32 इंच। 32 इंच में जितनी भी लंबाई हमें अपने पोंछे की रखनी है उसको माइनस कर देंगे, तो हमें यहाँ पर 2.5 इंच रखनी है। तो ये देखिए, 2.5 इंच हमने कम कर दिया, तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 29.5 इंच। 29.5 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई के लिए। 1/2 इंच नीचे की तरफ जाएगा, 1/2 इंच ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हो गया हमारा टोटल 30.5 इंच। तो यहाँ पर हम निशान लगा देंगे 30.5 इंच पे, और इस निशान को हम सीधा कर देंगे। तो हम एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे 30.5 इंच पर इस तरह से, और एक ही निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। अब इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे इस तरह से। ये निशान हमने लगा लिया है, अब हम इसको इसी तरह से कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको इस तरह से कट करके अलग कर दिया है। अब हम यहाँ पर अपने आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन लेंगे हम यहाँ से 9 इंच, 9 इंच पर हम निशान लगा देंगे इस तरह। 5 इंच की हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे, तो ये टोटल हो जाएगा आसन हमारा 14 इंच। ये देखिए, इसके बाद हमें 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है इस तरह से। इस तरह से निशान लगाने के बाद हमें इसमें गोलाई देनी है। तो ये देखिए, गोलाई हम इस तरह से देंगे नीचे की तरफ। ये देखिए, इस तरह से हमें नीचे की तरफ इसमें गोलाई देनी है। इसके बाद जो हमें मोहरी रखनी है अपनी, वो हम रखेंगे 6 इंच। तो मोहरी पर निशान लगा देंगे 6 इंच। आगे हमें जितने भी इसमें प्लेट्स डालनी हैं,
अगर आपको कम्प्लीट्स डालनी है आप 9 या 10 इंच पे निशान लगाइए, अगर आपको ज़्यादा डालने हैं तो आप 11 या 12 पे निशान लगाइए। तो मैं यहाँ पर टोटल पूरी रख रही हूँ जितना ये हमारा कपड़ा है। ये देखिए, अगर आप कम्प्लीट्स डालना चाहते हैं तो आप 9 या 10 इंच पे निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ये देखिए 2 इंच पे निशान लगा लूँगी इस तरह से। इसके बाद हम नापेंगे तो ये आ रहा है हमारे 12.5 इंच। ये देखिए, हम अच्छे से इस पर निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम आसन से मिला देंगे। ये देखिए, ये हमारा आसन का निशान जो हमने लगाया था उससे हम इस निशान को मिला देंगे इस तरह से। अगर आप 9 या 10 इंच पे निशान लगाते हैं तो भी आप आसन वाले निशान से उस निशान को मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको इसी तरह से कट कर लेंगे जिस तरह से हमने इसमें निशान लगाया है। ये देखिए, हमें इसको इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए, ये हमारी शलवार की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसमें और कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल तरीके से कट होती है। ये देखिए, ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बेल्ट कट करेंगे। तो बेल्ट कट करने के लिए हमने बचा हुआ फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम इसको मेजर करेंगे। ये है हमारा 20 इंच। हमें अपनी चौड़ाई चाहिए बेल्ट की 22 इंच, तो इसमें से नहीं बन पाएगा। तो हम इसको खोल लेंगे इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे जितनी भी हमें चौड़ाई चाहिए अपने बेल्ट की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 22 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर आ रहा है 22 इंच, और 1 इंच हम प्लस करेंगे, इसमें सिलाई के लिए आएगा। तो इसमें हम 23 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, 23 इंच पर हम निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद यहाँ से हम नापेंगे तो यहाँ से हमारा आना चाहिए 7.5 इंच। 5 इंच की बेल्ट हम रेडी करेंगे। 2 इंच हमारा नेफे में जाएगा और 1/2 इंच हमारा नीचे सिलाई में जाएगा। तो ये टोटल हो जाएगा हमारे 7.5 इंच। देखिए, तो 22 इंच पर हम इस निशान को इस तरह से लगाएंगे, सीधा कर देंगे और हम इसको इसी तरह से कट कर लेंगे। बेल्ट की लंबाई हमने ली है 7.5 इंच और चौड़ाई ली है हमने इसकी 22 इंच। ये देखिए इस तरह से, यहाँ से ये जॉइंट है इसको हम अलग कर देंगे। ये देखिए, बाकी बचे हुए फैब्रिक में हम अपनी मोहरी कट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी बेल्ट रेडी कर लेते हैं। तो दोनों साइड से हमें इसको पहले जॉइंट कर देना है। इसके बाद हम इसका नेफा फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। ये देखिए, इस तरह से हमें बेल्ट को रेडी कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने बेल्ट को रेडी कर लिया है। ये देखिए, अंदर की तरफ हमने नेफा फोल्ड कर लिया है इस तरह से, और हमने इसको दोनों साइड से जॉइंट भी कर लिया है। तो यहाँ हमारी बेल्ट रेडी है। अब हम अपनी शलवार रेडी करते हैं। तो शलवार में सबसे पहले हम आसन जॉइंट करेंगे। तो हम इसको इस तरह से लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको खोल लेंगे और इसी तरह से हम इसका आसन जॉइंट कर लेंगे दोनों साइड से। ये देखिए, हम इस तरह से इसमें सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ दोनों साइड हमने आसन जॉइंट कर लिया है। ये देखिए, ये इस तरह से आएगा। ये देखिए, इसके बाद हमें इसमें प्लेट्स डालनी है। जिस तरह से हम अपनी नॉर्मल शलवार में डालते हैं, इसी तरह से हमें इसमें प्लेट्स डालनी है। ये देखिए, तो यहाँ हमने बेल्ट को ले लिया है। ये देखिए, इसको हम इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आगे वाला हिस्सा है जहाँ हम आगे वाला आसन जॉइन करेंगे। तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। पीछे की साइड हमें 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है इस तरह से। अब यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको रखेंगे और हम देखते हैं इसमें हमें प्लेट्स किस तरह से डालनी है। तो ये है हमारा आसन। ये देखिए, ये देखिए, आसन में 1/2 इंच का मार्जिन हम छोड़ देंगे और इससे मिला करके हम इसको रखेंगे। ये देखिए, इसके बराबर हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए, इसके बराबर हमें एक निशान लगा लेना है और 3 इंच एक्स्ट्रा हम आगे की तरफ निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये 3 इंच जो हमने निशान लगाया है, ये हमने प्लेट्स के लिए लगाया है। पीछे की साइड जो हम 2 प्लेट्स डालते हैं, ये देखिए, इस तरह से हम पीछे की साइड प्लेट डालेंगे और ये निशान हमारा बराबर आ गया। और प्लेट्स डालने के बाद आगे ये इस तरह से जॉइंट हो जाएगा। ये देखिए, इसको हम इस तरह से अटैच कर लेंगे तो ये हमारा बराबर आएगा। इस निशान को हम दोनों साइड लगा लेंगे।
ये देखिए जो हमने बेल्ट में कट लगाया है वहाँ तक हमें इस निशान को जॉइन करना है। बाकी आगे की तरफ बेल्ट में हम आगे का जो ये हमारा फैब्रिक बचा है इसमें हम प्लेट्स डाल देंगे आगे की तरफ। ये देखिए इस तरह से। एक बार मैं आपको दूसरी तरह से भी समझा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इसको इस तरह से रखना है, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम इसको अटैच करेंगे। ये देखिए जो हमारा आसन है ये इस तरह से अटैच होगा। आगे की तरफ हम इसमें इस प्लेट्स डाल लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और दो प्लेट्स हम डालेंगे पीछे की साइड। जिस तरह हम अपनी नॉर्मल सलवार रेडी करते हैं इसी तरह हमें इसको रेडी कर लेना है इस तरह से। ये देखिए और दो प्लेट्स डाल देंगे हम पीछे की साइड। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको इस तरह से अटैच कर लिया है, दो प्लेट्स हमने पीछे की तरफ डाली हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए बाकी प्लेट्स हमने इसमें आगे की तरफ डाली हैं। अब हम इसकी मोहरी रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मोहरी को इस तरह से रखेंगे और 1 से 1.5 इंच हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये देखिए 1.5 इंच निशान हम इधर साइड लगाएंगे मार्जिन के लिए, ये हमारा मार्जिन में जाएगा, सिलाई में जाएगा। और 1.5 इंच हम इस यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देंगे। ये देखिए दोनों साइड हमने 1.5 इंच निशान लगा दिया है मार्जिन के लिए, ये हमारा सिलाई में जाएगा। ये देखिए बाकी बचे हुए फैब्रिक में हम निशान के अंदर छोटी छोटी प्लेट्स डाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये जो हमें प्लेट्स डालनी है ये हमें 12 इंच के अंदर डालनी है। हमारी मोहरी है 6 इंच की, तो खुलने के बाद वो होगी 12 इंच की, तो हमें 12 इंच के अंदर ही इन प्लेट्स को डाल लेना है। ये देखिए हम यहाँ पर इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे इस तरह। सारी प्लेट्स हमें 12 इंच के अंदर ही डालनी है। ये देखिए देखिए ये आ रहा है 12 इंच। ये देखिए इस तरह से हमने ये देखिए प्लेट्स डालनी हैं। ये देखिए अब हम इसको नापेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसको नापेंगे। ये देखिए तो ये हमारी प्लेट्स 12 इंच तक हैं। ये देखिए 1.5 इंच का मार्जिन पीछे की तरफ भी है। अब हम इसको टोटली नाप लेंगे तो ये होगा हमारा 15 इंच। ये देखिए ये हमारा 15 इंच आ गया। इसी के अकॉर्डिंग ये देखिए 15 इंच की हमने दो पट्टियाँ कट कर ली हैं और यहाँ पर हमने एक बुकरम ली है, ये भी हमने 15 इंच की ही ली है। इससे हम अपनी मोहरी रेडी करेंगे। ये देखिए पहले हम पट्टी को लेंगे, पट्टी की चौड़ाई हमने रखी है 3.5 इंच, 2.5 इंच की हमारी बुकरम है तो हमने 1/2 इंच दोनों साइड एक्स्ट्रा पट्टी को रखा है। ये देखिए 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर। अब हम एक पट्टी को नीचे से निकाल देंगे। ये देखिए पट्टी की हमें उल्टी साइड रखनी है, हम इसको इस तरह से उल्टा कर लेंगे, इसके ऊपर हम बुकरम रखेंगे इस तरह। अब 1/2 इंच इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसके ऊपर सीधी सिलाई को लगा लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको इस तरह से अटैच कर लिया है, यहाँ हमारी बुकरम अटैच हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए अब हम एक सिलाई इसके बराबर में बुकरम के बराबर में लगा लेंगे, वो सिलाई हमें पीछे दिखेगी तो इसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ ये लेस ली है डिज़ाइन के लिए। ये देखिए पीछे जो हमारी सिलाई दिखाई देगी जस्ट उसके ऊपर हमें इसको अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से हम इसको रखेंगे और एक सीधी सिलाई इसके ऊपर लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस लेस को इस तरह से अटैच कर लिया है। ये देखिए अब हम दूसरी पट्टी लेंगे इस तरह से, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे और ये देखिए जस्ट बुकरम के बराबर बराबर में हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलाई लगा ली है और ये हमारी पट्टी भी अटैच हो चुकी है। ये देखिए ये इस तरह से आएगा, हम इसको इस तरह से रखेंगे, ये हमारी बुकरम वाली साइड है। ये देखिए हमें इसको इस तरह से रखना है और हम यहाँ पर ये देखिए इस तरह से अपनी शलवार को रखेंगे। शलवार की हमारी सीधी साइड है ऊपर की तरफ। ये देखिए यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए
यहाँ फ्रेंड्स देखिए हमने सीधी सिलाई लगा ली है और इस तरह से आएगा। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे इसके ऊपर, ये देखिए। इस तरह से आएगा। अब इसके अंदर हम ये लेस अटैच करेंगे, ये देखिए। इस लेस को दबाते हुए इस तरह से हम यहाँ इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, ये देखिए। इसको हम अच्छे से दबाते हुए सीधी सिलाई लगा देंगे और इसको हम अटैच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सीधी सिलाई लगा ली है और लेस को हमने अटैच कर लिया है, ये देखिए। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और जितनी भी आपको मोहरी रखनी है उस पर हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने 6 इंच मोहरी रखनी है, तो हम यहाँ 6 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से, ये देखिए। अब हम इस निशान को इस तरह से हल्का सा तिरछा कर देंगे। अब हम यहाँ पर, ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, देखिए। इस पर हम सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए, इस तरह से दोनों साइड हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है, ये देखिए। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से आएगा। यहाँ हमारी शलवार बन करके रेडी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये शलवार कैसी लगी और ये है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।